हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात करेंगे डिस्फेजिया, यानी कि डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। निगलने में दिक्कत होती है किसी कारण से, तो उसको डिस्फेजिया कहा जाता है। निगलने में दिक्कत होती है, ये बताने से पहले मैं आपको नॉर्मल जो प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग है वो बताऊंगी, जिसको डिक्लूटिशन कहा जाता है। नॉर्मली खाना मुंह से पेट तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उसको स्वेलोइंग कहा जाता है। मतलब हमने खाना मुंह में चबाते हैं, फिर फेरेंस में जाता है, फिर ओसोफेगस यानी कि खाने वाली पाइप में जाता है, फिर वो पेट में पहुंचता है। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है स्वेलोइंग कहा जाता है। नॉर्मली हम लोग खाना खाते हैं, मुंह में चबाते हैं, अपनी जो मांसपेशियां होती है मुंह की और जीभ की मदद से, उनकी मूवमेंट्स की वजह से हम खाने को चबाते हैं। खाने को कितनी देर चबाना है ये कहीं ना कहीं हमारे हाथ में होता है, वॉलंटरी कंट्रोल जिसको कहते हैं। और खाना चबाने के बाद कब अंदर निगलना है ये भी कहीं ना कहीं हमारे हाथ में होता है। लेकिन उसके बाद जब खाना पीछे फेरेंस में चला जाता है, तो खाने को जो निगलने का कंट्रोल है वो आपके माइंड में, ब्रेन के हाथ में होता है, नर्व्स में। अब क्या होता है कि जो फेरेंस है वो 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी पाइप होती है, जो नाक के पीछे से शुरू होती है ऊपर से और नीचे खाने की पाइप तक जुड़ती है। नाक के पीछे जो फेरेंस होता है उसको नेजो फेरेंस कहा जाता है। आपकी जीभ के पीछे जो फेरेंस है उसको ओरो फेरेंस कहा जाता है। नीचे सांस वाली पाइप के पीछे जो होता है उसको लेरिंजो फेरेंस कहा जाता है। लेरिंजो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उसके आगे सांस वाली पाइप होती है उसको लेरिंग्स कहा जाता है। और उसके बाद वो खाने वाली पाइप ओसोफेगस, जो मेन पाइप होती है हमारी गले से नीचे पेट में जाती है, उसके साथ जो है फेरेंस जुड़ जाता है और फिर ओसोफेगस में जो है खाना नीचे पेट में पहुँचता है। अब आपके निगलने में जो दिक्कत आती है उसके लिए क्या रीजंस हो सकते हैं? एक तो आपके मुंह में कोई भी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आप अच्छे से नहीं चबा पाते हैं, या कोई पैरालाइजिस हो जाता है, मूवमेंट्स मुंह की जीभ की आपके कंट्रोल में नहीं होती है। दूसरा कारण होता है कि जब खाना आपने चबाया वो आपके गले में चला गया फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स जो है नाक से शुरू होता है, तो उसके बीच में एक आप यूँ कह लीजिए कि दरवाज़ा होता है, जिसको मोस्टली स्फिंक्टर भी कह सकते हो, वॉल्व भी कह सकते हो। मतलब ये होता है कि अगर ये ब्लड वेसल्स में होता है उसको वॉल्व कह दिया जाता है, पेट में खाने वाली पाइप के बीच में तो उसको स्फिंक्टर कह देते हैं। तो जब आपने खाना खाया वो पीछे गले में गया तो नाक में खाना ना जाए तो वो वॉल्व बंद हो जाता है स्फिंक्टर अच्छे से। अब नीचे जब खाना आपका गले से नीचे जाता है तो जो सांस वाली पाइप है लेरिंग्स, उसके बीच में भी एक स्फिंक्टर होता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। ये नॉर्मल दरवाज़ा जो होता है वो बंद हो जाता है सांस का। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम लोग खाना चबाते हैं तब हम बोल नहीं पाते, जब हमारा खाना निगल लेते हैं हम लोग उसके बाद ही हम बोल पाते हैं, ये बात कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब खाना हम निगलते हैं और खाना नीचे खाने वाली पाइप में जाता है तो जो हवा, जो सांस वाली पाइप होती है उसका दरवाज़ा बंद हो जाता है, जिसको एपिग्लोटिस कहा जाता है, और खाना जो है नीचे खाने वाली पाइप में चला जाता है। अब अगर आपका गले में टॉन्सिल्स है या जो फेरेंस है जो पाइप खाने लेके जा रही है नीचे, इसी में कोई सूजन आ जाती है, कोई स्वेलिंग आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसकी वजह से भी आपको निगलने में दर्द फील होगा। या अगर यहाँ की मांसपेशियाँ या यहाँ की नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, मतलब ब्रेन से सिग्नल नहीं आएगा, तो जो दरवाज़ा मतलब जैसे नाक के ऊपर है वो बंद होना चाहिए था वो नहीं होगा, नर्व्स की कंट्रोल नहीं है। ऐसे नीचे सांस वाली पाइप में भी जो एपिक्लोटिस है वो अच्छे से बंद नहीं होता है, क्योंकि ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है, नर्व्स के हाथ में होती है जो ब्रेन से सिग्नल आता है। तो अगर ब्रेन से सिग्नल नहीं आएगा अच्छे से तो फिर जो ये एपिक्लोटिस है अच्छे से बंद नहीं होगा। अब क्या होगा कि खाना जो है आपका खाने वाली पाइप में जाने की जगह, मतलब उसमें तो जाएगा ही लेकिन कुछ अंश जो है उसका सांस वाली पाइप में चला जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि वहाँ की जो नर्व सप्लाई है, जो ब्रेन से सिग्नल आ रहा है, वो कितने एरिया का डैमेज है। जैसा कि लकवे में होता है या फिर मसल्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिससे मसल्स जो है नर्व सप्लाई जो है खो देती हैं। अब इसकी वजह से कि कुछ पेशेंट्स में तो खांसी आएगी, सांस रुकेगा, जिनकी सेंसेशन होगी थोड़ी बहुत, जिनमें सेंसेशन नहीं है, नर्व सप्लाई डैमेज हो जाती है पूरी, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनका खाना जो है सांस वाली पाइप में जा रहा है। तो क्या होगा अगर ये खाना या लिक्विड धीरे धीरे करके सांस वाली पाइप में जाएगा तो फेफड़ों में चला जाएगा, तो ऐसे पेशेंट्स में जो है निमोनिया जो है बार बार होता रहेगा, चांसेस जो है निमोनिया के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर ये जाएगा तो लंग्स में इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। अब अगर आपका ये खाना नीचे चला गया खाने वाली पाइप में,
अगर अब खाने वाली पाइप में कोई स्ट्रिक्चर आ गया, मान लीजिए खाने वाली पाइप टाइट हो गई, जैसा कि मैंने बताया है कि गैस्ट्रो ओसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज होता है, इसमें क्या होता है कि खाने वाली पाइप और जो पेट का दरवाज़ा होता है, स्फिंक्टर जो होता है, वो अच्छे से बंद नहीं होता, वहाँ की मसल्स वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेट का खाना जो है ऊपर जो है खाने वाली पाइप में आता रहता है। अब पेट में तो एसिड होता है, जब वो एसिड अभी खाने वाली पाइप में टच होता है बार 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 बार, तो उसमें सूजन कर देता है या जख्म कर देता है। जब यही प्रोसेस बार बार होगा तो हमारी बॉडी उसको रिपेयर करेगी, तो उसके आसपास जो है हार्ड हो जाएगा, वो खाने वाली पाइप उतने एरिया में हार्ड होनी शुरू हो जाएगी। जैसे हमारा स्किन में होता है, चोट लगती है बार बार एक ही जगह पे, तो वहाँ की स्किन हार्ड हो जाती है, तो ऐसा ही खाने वाली पाइप में हुआ, तो क्या हुआ, स्ट्रिक्चर डिवेलप हो जाएगा, या फिर किसी कारण से इसी प्रॉब्लम की वजह से जो है कैंसर हो जाता है खाने वाली पाइप में। अगर बहुत ज़्यादा जो एसिड है खाने वाली पाइप में आएगा, उसमें इन्फेक्शन करेगा, सूजन करेगा, तो भी खाना जो है प्रॉपर पेट में नहीं पहुंचेगा, तो ये कारण भी होती है। इसकी वजह से आपको छाती में जलन होगी और खाना आपको लगा रहेगा कि ऊपर ही पड़ा हुआ है, नीचे नहीं जा रहा है। अब इसकी वजह से क्या होता है, कुछ पेशेंट्स में उल्टी भी आती है या वॉमिटिंग भी होती है, मतलब उल्टी का मन करेगा, खाना जो है आपका इरिटेशन होगी आपको जो है खाने वाली पाइप में। नॉर्मली अगर खाने वाली पाइप में इरिटेशन होती है तो मुंह में स्लाइवा ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, लार ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है। वो इसलिए कि अगर लार ज़्यादा बनती है, जब वो लार हम निगलते हैं तो खाने वाली पाइप के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है, जो एसिड है वो खाने वाली पाइप को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और इसीलिए जो होता है सलाइवा, जो हमारी लार होती है, वो खाने वाली पाइप को इन्फेक्शन से, सूजन से बचाती है। या कई बार कुछ ऐसा होता है कि खाने वाली पाइप की जो मूवमेंट्स हैं, क्योंकि खाने वाली पाइप हिलती है तभी खाना ऊपर से नीचे जाता है, तो अगर किसी कारण से कोई नर्व्स डैमेज हो, कोई चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, कोई ऑपरेशन करवाया हो किसी तरह का कोई, तो क्या होगा कि उसकी मूवमेंट जो है खाने वाली पाइप की जो मूवमेंट है, जो हिलती है मूवमेंट, मतलब खाने वाली पाइप, वो नहीं मूवमेंट होगी तो खाना ऊपर पड़ा रहेगा, फिर वो नीचे उतनी स्पीड से नहीं जाएगा जितना पहले जाता था, तो इसकी वजह से भी आपको जो है निगलने में दिक्कत होती है। ऐसे भी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से नॉर्मल हमें जो है खाने में दिक्कत हो जाती है, बट वो कोई बीमारी की वजह से नहीं होती। जैसे हम जो है खाने की बाइट बहुत बड़ी खाते हैं, या फिर खाने को अच्छी तरह से नहीं चबाते और बहुत जल्दी जल्दी निगलने की कोशिश करते हैं, या जब हम खाना खा रहे होते हैं, स्वेलोइंग हमें निगलना होता है, उस टाइम हम बहुत हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, ये कई बार कुछ पेशेंट्स की आदत होती है कि खाना लेट के खाते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है, अगर हम लेट कर खाना खाते हैं तब भी ऐसा होता है कि निगलने में दिक्कत होती है, या ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसमें सलाइवा, जो लार है, वो नहीं बनती है पेशेंट्स में, जैसे कि शॉजरन सिंड्रोम में ऐसा होता है, तो ड्राइनेस हो जाती है, मुंह जो है बहुत ज़्यादा सूख जाता है, जिसकी वजह से ल्यूब्रिकेंट का काम नहीं हो पाता और खाना जो है निगलने में आपको दिक्कत होती है। और ऐसा कई पेशेंट्स होता है जो बोलते हैं, मैम हम तो कैप्सूल्स से, हमसे नहीं निकला जाता, ये बहुत बड़ा है, तो कुछ ये साइकोलॉजिकली भी होता है कुछ पेशेंट्स में कि हम जो है कैप्सूल नहीं निगल पाएंगे, टैबलेट नहीं निगल पाएंगे, तो उसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई डिसीज़ नहीं होता, लेकिन सिर्फ साइकोलॉजिकली ही ऐसा होता है, या हमारी गलत आदत की वजह से ऐसा होता है। अब जैसे मैंने बता दिया कि मुंह में क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं, जीभ का कैंसर हो जाता है, या मुंह का जैसे पैरालिसिस हो जाता है, पार्किंसन डिजीज है जिसमें नर्व्स जो है अफेक्टेड होती हैं, फेरेंजाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, गले में कोई ट्यूमर है, कैंसर है, थायराइड है, जैसे गले में कई बार जो है गांठ बन जाती है, छोटे छोटे लिम्फ नोड्स होते हैं गले में, उसमें सूजन हो जाती है, कई बार गला सूज जाता है, तो उसकी वजह से निगलने में दिक्कत आती है। ओसोफेगस में खाने वाली पाइप में सूजन हो, स्ट्रिक्चर हो, कैंसर हो, या उसकी मूवमेंट जो है वो अच्छे से ना हो, या जो खाने वाली पाइप जहाँ पेट से जुड़ती है, उस स्फिंक्टर में, उस जो ओपनिंग है उसमें कोई जो है प्रॉब्लम हो, तो ये सारे रीजंस की वजह से डिस्फेजिया होता है। अब इसमें लक्षण क्या आते हैं, सबसे पहले क्या होगा, एक तो हमें निगलने में, एक तो नॉर्मल हमें जो दिक्कत होती है कि हम निगल नहीं पाते, कई लोग कहते हैं कि निगलने में दिक्कत हो रही ही है, किसी को क्या है दर्द होता है निगलते समय जो है दर्द होता है, या कुछ कहते हैं गले में जो है कुछ अटका हुआ है, गले में कुछ अटका हुआ है जिसकी वजह से हम नहीं निगल पा रहे हैं। अब क्या होगा कि
जैसे कि मैंने बताया कि अगर नर्व सप्लाई पे असर आएगा तो क्या होगा, पेशेंट खाने को ज़्यादा देर तक मुंह में नहीं रख पाएगा, उसको अच्छे से नहीं चबा पाएगा अगर मसल्स में प्रॉब्लम है फेस की, तो सलाइवा भी उसका जो है मतलब गिरता रहेगा, ड्रिबलिंग होता रहेगा, मतलब सलाइवा को भी वो मुंह में होल्ड नहीं कर पाता है। फेरिंग्स जैसे मैंने बताया था कि नाक से शुरू होता है और जब हम लोग खाना खाते हैं खाना पीछे चला जाता है तो नाक में जो खाना है नहीं जाता नॉर्मली, लेकिन अगर नर्व सप्लाई या मसल्स डैमेज होती है तो खाना जो है कुछ पेशेंट्स में जो है नाक से निकलना शुरू हो जाता है। जैसे बोलते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं लेकिन खाना ऊपर नाक में आ जाता है, और ऐसे ही नीचे जैसे मैंने बताया खाना जो है सांस वाली पाइप में चला जाता है, तो ऐसे पेशेंट्स में कुछ को खांसी आती है, सांस घुटने जैसा लगता है, लेकिन जिनको नहीं पता चलता है उनमें जो है फिर रिकरेंट निमोनिया की, बार बार निमोनिया होने की शिकायत हो जाती है क्योंकि खाना बार बार जो है फेफड़ों में जा रहा है। पेशेंट को नौजिया मतलब उल्टी आने का मन होता है, उल्टी आती है, ऐसा लगता है खाना जो है छाती में ही पड़ा हुआ है, खाना ऊपर को आ रहा है पेट से, तो ये लक्षण जो है पेशेंट्स में पाए जाते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम जो है बहुत लंबे समय तक हो गई, फिर आपको जाके प्रॉब्लम हो जाती है, पेशेंट में वेट लॉस हो जाता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, जो न्यूट्रिशन चाहिए बॉडी में वो धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है, और पेशेंट में डिप्रेशन और एंजाइटी जो है वो होने लगती है। पेनफुल डिस्फेजिया जिसको कि ऑर्डिनोफेजिया कहा जाता है, ये मोस्टली कैंसर में होता है। आपको अब डिस्फेजिया होगा या तो आपके मुंह या फेरिंग्स में प्रॉब्लम होगी, दूसरा होगा अगर खाने वाली पाइप में कोई भी डिसीज होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, या फिर साइकोलॉजिकली होता है, फोर्थ होता है न्यूरोमस्कुलर, मतलब कि आपकी नर्व्स की वजह से, नर्व सप्लाई जब डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से मसल्स और नर्व्स में अफेक्ट आता है। अब इसका जो भी टेस्ट होता है वो आप एंडोस्कोपी होता है, बेरियम मील एक्सरे है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, ब्लड टेस्ट है, या फिर आपका जैसे मैंने बताया था खाने वाली पाइप की जो मूवमेंट है, मूवमेंट में अगर फ़र्क आता है तो ओसोफेजियल मोटिलिटी टेस्ट करवाया जाता है स्टडी। तो ये था मेरा थोड़ा सा डिस्फेजिया के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।